हेलो गाइस, मैं ठीक है। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल कल्याण सीरियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम BSTC सेकेंड ईयर की डायरी के बारे में, यानी कौन सी डायरियाँ BSTC सेकेंड ईयर में दी जाती है। ठीक है, इसमें जो समालोचना की डायरियाँ हैं वो इसमें नहीं है, बाकी सारी इंटर्नशिप की डायरियाँ इसमें आ जाएगी, क्योंकि समालोचना की डायरी इंटर्नशिप के बाद दी जाती है और हो सकता है आपको साथ में भी दे सकते हैं, तो वो उन डायरियों का मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। फिलहाल जो सारी डायरियाँ हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है और हम उसका डायरियों के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि किस टाइप की डायरियाँ मिलती है और क्या क्या डायरियों में करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लेसन की डायरियाँ होती है, ठीक है, पाठ योजना, वो ये है हमारे पास। इसमें आपको लेसन बनाने होते हैं, तो ये होती है आपके पास 1 से 5 और 6 से 8 तक। ठीक है, तो इसमें मिस प्रिंटिंग है, हाँ, यहाँ पर आपको 6 से 8 करना है, यहाँ पर ये 1 से 5 ही रहेगी। ठीक है, ऊपर कॉलेज का नाम लिखा हुआ, फिर यहाँ पर आपको ये भरना होता है मेन फ्रंट, और ये आपका प्रमाण पत्र होता है, ये स्कूल वाले भर देंगे। यहाँ पर ये सारणी होती है लेसन बनाने की, और यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं 6-9 दिन की इंटर्नशिप के बारे में। ये उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य किस प्रकार से बढ़ना है आपको वो दिया हुआ है, तो ये लेसन के बारे में आप यहाँ पर जान सकते हो, और ये किस लेसन के कितने लेसन बनाने हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप जब आगे चलते हो तो यहाँ पर आ जाती है समग्र शिक्षण योजना, जिसको कहते हैं इकाई योजना या यूनिट प्लान। ठीक है, तो यहाँ पर सारे यूनिट प्लान के पेज यहीं पर एक साथ में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर सारी जो है यूनिट योजना जितनी भी बनानी है लेसन की, 40-50 लेसन की, तो वो यहाँ पर आप बना सकते हो। तो एक लेसन में 4, 5 या 6 यूनिट प्लान की योजना बना सकते हो आप, 6 उप इकाई दे करके। एक यहाँ पे हो जाएगी, 2 दूसरी नीचे आ जाएगी, और फिर 4 या 3 इधर आ जाएगी, फिर वापस यहाँ पे एक नई, तो इस प्रकार ये हो जाएगी। और उसके बाद थोड़ा सा आगे चलने पर यहाँ से लेसन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से दैनिक शिक्षण योजना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर विद्यालय का नाम, दिनांक, पाठ संख्या, कालांश, समय और प्रकरण, इकाई, विषय आ जाता है। और यहाँ पर जो उद्देश्य है, ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, और यहाँ पर प्रस्तावना हो जाएगी 4-5 लाइन में। और फिर यहाँ से आपका जो लेसन है, पाठ का विकास, वो शुरू हो जाता है। ये 2 पेज और ये तीसरा, और ये टोटल 4 पेज होते हैं। यहाँ पर गृह कार्य देना पड़ता है, और फिर यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे आपके, फिर ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण टिप्पणी लिखनी होती है, जिसके बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं 6, और यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक एवं स्व मूल्यांकन रिपोर्ट भी आप ही को पढ़नी होती है। ठीक है, थोड़ा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये वापस उसके बाद अगला लेसन आ जाता है, तो इस प्रकार ये सारे लेसन आपको बढ़ने होते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो आपका मूल्यांकन दिया होता है, जो स्कूल का संस्था प्रधान आपको भर के देगा, मार्किंग करेगा आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार 1 से 5 तक आपको कुल 50 या 52 लेसन बनाने होते हैं, जो यहाँ पर आगे इसमें जो निर्देश दिए हुए हैं उसमें आप पढ़ सकते हो, है ना, जो निर्देश है इनमें आप सारा देख सकते हो कौन से सब्जेक्ट के कितने लेसन है। और फिर आता है 6 से 8 तक का, तो ये भी डायरी बिल्कुल सेम है जैसे वो थी, बस वही लेसन का तरीका रहेगा। और लेसन प्लान के बारे में हमने वीडियो अलग से बना रखा है, तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हो या हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्रियात्मक कार्य का है, तो क्रियात्मक कार्य में यानी जो प्रोजेक्ट कार्य होता है उसकी डायरी होती है। जितने आपके सब्जेक्ट है उतनी क्रियात्मक फाइलें बनानी है आपको। ये हिंदी की हो गई, इंग्लिश, गणित, सामाजिक, संस्कृत, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, और विद्यालय संस्कृति एवं प्रबंधन, आधुनिक विश्वविद्यालय में वो वाली, और ये बच्चे और सीखना। तो ये टोटल 9 डायरिया हो जाती है। उसके बाद जो डायरिया बचती है दोस्तों, उसके बाद ये है, देखो 1 से 5 एवं 6 से 8 एक ही डायरी में, इसमें आपको करना होता है पाठ्यपुस्तक विश्लेषण करना है, विषय वस्तु का विश्लेषण, केस स्टडी भी इसी में, सर्वे भी इसी में, कक्षा प्रोफाइल भी इसी में बनाना है, और मननशील रिपोर्ट भी इसी में होती है। इस डायरी का हमने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में सेम होती है, इसमें सेकंड ईयर में 6 से 8 तक और जुड़ जाता है, और 1 से 5 BSTC फर्स्ट ईयर में होता है। तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर। ठीक है, तो इस डायरी को कैसे पढ़ना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इन सारा फॉर्मेट इसमें अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगली डायरी।
ये है कक्षा अवलोकन पंजिका, यानी आप जो अवलोकन करते हो रोज की एक रिपोर्ट आपको इसमें भरनी होती है। तो इसको कैसे भरना है इसका भी हमने वीडियो बना रखा है, तो आप अवलोकन रिपोर्ट, BSTC अवलोकन रिपोर्ट सर्च कर सकते हो, इसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसमें जो लास्ट में है वो SMC की रिपोर्ट भी भरनी होती है, और इसमें मूल्यांकन योजना भी दी हुई है। ठीक है, ये विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव एवं जयंतियों में भागीदारी, ये भी आपको भरना पड़ता है। और यहाँ जो है आपका दैनिक गतिविधियों का विवरण आ जाएगा रोजाना की, और ये पूरी बाकी की कक्षा अवलोकन की रिपोर्ट होती है लगभग 70-80 दिन की, आई थिंक 92 डेज की होगी। और लास्ट डायरी बचती है आपकी वार्षिक पाठ योजना, इसका भी हम अलग से वीडियो बना देंगे 1-2 दिन में। ठीक है, तो आप वो भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। और समालोचना की डायरिया जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे डायरियों के बारे में। तो ये थी दोस्तों BSTC की जो टोटल डायरिया सेकेंड ईयर की है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।